दोस्तों वर्ल्ड कप अब अपने अंतिम चरण पर चल रहा है। ये चार टीमें तय हुई वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में खेलने के लिए। किस टीम का सामना किसमें होने वाला है सेमीफाइनल में और किस तरह सेमीफाइनल में टीमें आपस में भिड़ेंगी। वहीं दोस्तों सेमीफाइनल के मुकाबले कब कहां कितने बजे खेले जाएंगे बताएंगे डिटेल में पूरी खबर आपको इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस बार का वर्ल्ड कप जीते तो हमारे इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की ये शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वर्ल्ड कप के अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा है, जहां हमें इस वर्ल्ड कप में तीन टीमें मिल चुकी हैं सेमीफाइनल के लिए। वहीं एक टीम अभी बाकी है जिसके लिए तीन टीमें लड़ाई कर रही हैं। पहले दोस्तों आपको बता दें वे कौन सी तीन टीमें जो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। दोस्तों पहली टीम है भारत की। भारत ने अब तक इस वर्ल्ड कप में 8 मुकाबले खेले और 8 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की और 5 टेबल में पहले नंबर पर है। वहीं दोस्तों दूसरी टीम है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका ने अब तक इस वर्ल्ड कप में 8 मुकाबले खेले, 6 में जीते, 2 में हारे और 5 टेबल में दूसरे नंबर पर है। वहीं दोस्तों तीसरी टीम आती है 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की। जी हां दोस्तों ऑस्ट्रेलिया भी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 8 मुकाबले खेले, 6 में जीते, 2 में हारे और वो 5 टेबल के तीसरे नंबर पर बनी हुई है। वहीं दोस्तों चौथी टीम के लिए लगी है 3 टीमें। पहली टीम है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड ने अब तक इस वर्ल्ड कप में 8 मुकाबले खेले, 4 में जीते, 4 में हार रहे और उसके 5 टेबल में 8 अंक है। दोस्तों न्यूजीलैंड का रन रेट +0.398 का है। अब न्यूजीलैंड का एक मैच बचा है, ये मैच आज यानी 9 नवंबर को खेला जाएगा। अगर यहाँ से हारे और पानी गिरा और मैच अगर रद्द हो गया तो न्यूजीलैंड सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगी। अगर न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में पहुंचना है तो उसको श्रीलंका में हर हाल में बड़े अंतर से हराना होगा, तभी वो सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। वहीं दोस्तों दूसरी टीम है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने अब तक इस वर्ल्ड कप में 8 मुकाबले खेले, 4 में जीते, 4 में हारे और उसके 5 टेबल में 8 अंक है। रन रेट की बात करें तो +0.036 का है। अब पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपना आखिरी मुकाबला इंग्लैंड से जीतना होगा, वो भी बड़े अंतर से जीतना होगा, तभी सेमीफाइनल में पहुंच सकती। अगर न्यूजीलैंड हारी तो केवल इंग्लैंड को हराओ और सीधा सेमीफाइनल में जाओ। वहीं दोस्तों तीसरी टीम आती है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान ने अब तक 8 मुकाबले खेले, 4 में जीते, 4 में हारे। रन रेट की बात करें तो -0.338 का है, 5 टेबल में 8 अंक है। अगर यहां से अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचना तो अपना आखिरी मुकाबला साउथ अफ्रीका से जीतना होगा, और उधर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीम हारे तो अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकती, जो बहुत ही असंभव दिख रहा है। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं सेमीफाइनल की, कौन सी टीम किससे भिड़ने वाली। दोस्तों वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मैच 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल में हमारी भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान या फिर न्यूजीलैंड से होने की संभावना है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल 16 नवंबर को कलकत्ता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। इसमें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीम भिड़ने की संभावना है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है भारत का सामना सेमीफाइनल में किस टीम से होने वाला है, न्यूजीलैंड या फिर पाकिस्तान? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों हम सभी लोग यही चाहते हैं कि भारत का सामना कोई भी टीम से हो, बस टीम वो जीते और वर्ल्ड कप अपने घर लाए। दोस्तों वीडियो अगर जरा से भी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।